हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडीटेक में स्वागत है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट से क्लास टेंथ के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्लास टेंथ के लिए ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट से वीडियो बना रहा हूँ हिंदी के सब्जेक्ट में, क्योंकि हिंदी के विषय में अभी प्रीलियम एग्जाम हुआ, उसमें बच्चे कमेंट करें सर फेल हो गया हिंदी के विषय में, तो मैं आप लोग के लिए बोल रहा हूँ ये बस वीडियो देख लो। 100% आप लोग का 2 तारीख का जो पेपर होने वाला है ना, उसे आप लोग आग लगा के आ जाओगे। 100% 75 नंबर इजिली लिख के आ सकते हो, मैं बोल रहा हूँ, गारंटी मैं ले रहा हूँ। बस आप लोग को ये वीडियो देखना है, बस आप लोग काम क्या है, बस ये वीडियो देख लो, 100% आप लोग का 75 नंबर इजिली ला लोगे। किस तरीके से वो चीज आप लोग को बताने वाला, बस इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। देखोगे यहाँ 3 घंटे का आप लोगों का पेपर रहता है, प्लस आप लोगों को यहाँ पे कुल 80 नंबर होता है, 20 नंबर ओरल रहता है। आप लोगों को पूरा देखना वीडियो। सबसे पहले सूचना दिया रहता है, उसको अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ सकते हो। अब इसमें क्या चीज रहता है उसको मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले आंसर के साथ लाया हूँ, पूरा सोल्यूशन के साथ किस तरीके से आप लोग करोगे। जो विभाग एक रहता है उसमें क्या रहता है आप लोग को ध्यान से देखो, गद्य विभाग रहता है, 20 नंबर का रहता है। पहला वाला जो रहता है प्रश्न पहले का अ रहता है, उसमें निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां करना रहता, मतलब एक्टिविटी दिया रहता, इसको अच्छी तरीके से पढ़ना रहता। और यहाँ पे देखोगे एक्टिविटी दिया गया, पूरा अच्छी तरीके डिटेल में आप लोगों को समझा रहा हूँ। देख रहे हो यहाँ पे लिखा क्या गया, 2 नंबर के लिए है, सब आप कर सकते हो। मेरे को इतना 100% आप पे श्योर हूँ कि आप लोग कर सकते हो ये चीज, ट्रस्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखोगे, सबसे आकृति पूर्ण कीजिए, कवि लपक कानंद ने यह कहा, क्या क्या कहा था वो चीज यहां पे देखो, यहां पे लिखा गया है। मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त हूं, 4 भरना है यहां पे देख रहे हो, 4 क्या कहा था बस वही चीज, लपकानंद क्या कहे थे कवि बस वही लिखना। देख रहे हो यहां पे बोला भी गया, कहने लगे, और उसके बाद मैं आपके बारे में यही सोचता रहा, रात हो गया दूसरा, रात भर मुझे नींद नहीं आई, और तीसरा रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई, बस हो गया, बस इतने ही आप लोग को लिखना था इसमें 2 नंबर में। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखोगे सबके साथ अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, आंसर के साथ यहाँ पे देखोगे दूसरा आकृति पूर्ण करो, वही देखना है। यहाँ कवि लपकानंद के विषय में लेखक ने यह बताया, क्या बताया था, कवि की बेक तुकी, देख रहे हो कविताओं से सारा शहर परेशान था, लेखक उन्हें दूर देखते ही भाग खड़ा होता। देख रहे हो कितना इजी, बस उनके बारे में बताना है, विषय में लेखक ने क्या बताया। अब उसके नीचे आप लोग देख रहे हो ये चीज अपने से, या दूसरा वाला कवि से छुटकारा पाने के लिए लेखक ने यह किया, क्या किया, उन्हें जल्दी से चाय पिलाई, मतलब जल्दी से चाय पी लेंगे तो तुरंत चले जाएंगे, कविता सुनने का वादा किया। बस आप लोग देख रहे हो कितना इजी है। शब्द बनाइए, उपसर्ग युक्त मतलब दर्द के आगे बेदर्द लिख सकते हो, बेदर्द, और प्रत्यय के दर्दनाक, और इसमें निश्चित अनिश्चित आगे जोड़ना है, उपसर्ग मतलब आगे, प्रत्यय मतलब पीछे, निश्चिता, सिंपल सा, 2 नंबर इजली, देख रहे हो कितना इजी है, 8 नंबर। अब उसके बाद आप लोग को चौथा वाला जो दिया, कविता कवियों के कविता सुनाने की आदत के बारे में अपने विचार 25 से 30 शब्दों में, एक कभी भी छोड़ के मत आना, अपने मन से लिखना रहता है, बस बना के आप लोग लिख के आना, 2 नंबर में से 1.5 नंबर कंप्लीट आप लोग को दिए जाता है, 1.5 नंबर बस आप लोग को थोड़ा सा इसके रिलेटेड बना के लिखना रहता। उसके बाद देख रहे हो यहाँ पे प्रश्न दूसरे का है, पहले का आ, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए, 8 नंबर के लिए ए भी, अच्छे तरीके से बस इसको पढ़ना है, कितना इजी दे दिया गया, देख रहे हो बस पढ़ना है। और उसके बाद यहाँ पे देखोगे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, वो चीज आप लोग को बताता हूँ। गद्यांश में उल्लेखित कोई 4 रचनाकार, रचनाकार कौन, प्रेमचंद, शरद चंद, वकीम चंद और प्रभात कुमार मुख्याध्यापक, 4 नाम लिख दिए आप लोग को, 2 नंबर फिक्स हो गए। बस क्या है, कोई 4 नाम लिखना था उल्लेखित, जो लिखने वाले रचनाकार। उसके नीचे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे आकृति पूर्ण करो, नागर जी के सामने इनका साहित्य था, किसका था, प्रेमचंद और कौशिक का, बस इसको, और नागर जी ने शुरू में इन्हें पढ़ा, किसको, वकीम चंद्र के, वकीम के उपन्यास को, सिंपल सा जो पढ़े हैं बस इसमें लिखा गया है। देख रहे हो नागर जी का पहला मित्र यह था, कौन था, छापे का अक्षर, सिंपल सिंपल एकदम सिंपल है।
देख रहे हो, इसके बाद यहाँ पे देख रहे हो उचित उपसर्ग जोड़कर, उपसर्ग मतलब क्या होता है आगे जोड़ना, प्रत्यय मतलब पीछे, इसमें दिया गया है बस आप लोग को जोड़ना है, शासन लिखा था अनुशासन हो जाएगा, दो नंबर के लिए वन है उपवन हो जाएगा, मान है अभिमान हो जाएगा, जीवन है आजीवन हो जाएगा। देख रहे हो कितना ईजी है, सोचो। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा गया चौथा वाला, ये बार बार क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, आप लोग को पूरा करना है, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, विषय में 25 से 30 शब्दों में अपना विचार लिखना, पढ़ोगे एजुकेशन इज द लाइफ में मोस्ट इम्पॉर्टेंस है, अगर पढ़े लिखे रहोगे तो हर जगह आपको नौकरी हर चीज़ मिलने वाला, उसके विषय आप लोग बना के लिख सकते हो ऑनवर्ड से अपने से। अब उसके बाद आता है आप लोगों का प्रश्न पहले का, ई निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं का अनुसार कृतियाँ, चार नंबर के लिए क्या चीज़ है वो बताता हूँ। सबसे पहले देख रहे हो यहाँ पे लिखा गया है आप लोग को आकृति पूर्ण करो, सबसे ज़्यादा एक्टिविटी बस आप लोग को पढ़ना है लिख देना है। सन्यासी के लिए इन दोनों में कोई अंतर नहीं, मृत मृग का शरीर घास का गट्ठर दोनों, और यहाँ पे दूसरा गद्यांश में इन दो व्यक्तियों का उल्लेख किया उल्लेख हुआ है, किसका, सन्यासी का और राजकुमार का। अब यहाँ पे एक लास्ट में क्वेश्चन दिया गया है दूसरा, वनों का महत्व क्या है, मतलब जंगल जो है फॉरेस्ट उसका महत्व क्या है, उसमें कैसे रहते हैं लोग, बस वो अपने को बता देना है, व्यक्त करना है 25 से 30, थोड़ा सा एक पैराग्राफ बना देते तो भी नंबर आप लोग को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखोगे आप लोग विभाग जो दूसरा है पद्य विभाग, छः नंबर के लिए आता है कविता रहता है, अच्छी तरीके से पढ़ना है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, क्या क्वेश्चन वो भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ, वाक्य पूर्ण करो, कृषक कमजोर शरीर को पत्तियों से पालता है। अब उसके बाद दूसरा, कृषक बंजर जमीन को अपने खून से सींच कर उर्वरता बना देता, उर्वरता मतलब क्या होता है बहुत उपजाऊ बना देता है। उसके नीचे आप लोग देख रहे हो दूसरा दिया गया संजाल पूर्ण करो, कवि की चाह क्या थी, विश्व के पालक कृषक के लिए नवीन सृष्टि का निर्माण करना। दूसरा एक दिया सभी सुर असुर छोड़कर ऊसर भूमि को उर्वरता बनाने के लिए कृषि कृषक का ध्यान करना, बस इतना ही करना था आपको। उसके नीचे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे दूसरा दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय जोड़ना, प्रत्यय मतलब कहाँ जोड़ना है, प्रत्यय अलग करके लिखो, प्रत्यय मतलब पीछे का भाग, पालक था पाल प्लस क प्लस ता लास्ट का, पीड़ित पीड़ा प्लस ईत पीड़ित। उसके नीचे देख रहे हो जोड़ कर लिखना है, जोड़ प्लस कर। तीसरा दिया गया आप लोग को पद्यांश के प्रथम चार पंक्तियों का सरल अर्थ लिखना, कहाँ का, सिंपल से यहाँ पे आना है आपको और यहाँ से चार पंक्ति चार लाइन का क्या करना है, इजी अर्थ मतलब इसी का मीनिंग लिख देना है एक बना के अपने ऑनवर्ड में। अब उसके बाद आता है यहाँ पे देखोगे प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ करना है, मतलब एक्टिविटी ही है। इसमें भी आप लोग को देख रहे हो इस तरीके से कारण लिखना है, फूल को मौसम से कुछ लेना देना नहीं है, कारण लिखना है और यहाँ पे आकृति पूर्ण करो, फूल के लिए ए दोनों एक जैसा है, भौरों को कोमल सुर सरगम, दूसरा क्या लिखा गया पतझरों का रोना धोना दोनों एक ही है। अब यहाँ पे ए चीज शब्द युग्म, शब्द युग्म मतलब जाना आना खाना पीना रोना धोना जादू टोना, तो इसमें से आएगा जाएगा रोना धोना जादू टोना पल पल यहाँ पे सब दिया गया है, जिसके बीच में अंडरलाइन है वही चीज़ आपका क्या है शब्द युग्म है। सिंपल तरीका बस इसी तरीके से आप लोग को लिख देना है। उसके नीचे आप लोग देखोगे एक चीज़ दिया गया है प्रस्तुत तीसरा वाला पद्यांश से अंतिम चार सरल अर्थ लिखना, कहाँ का चार लास्ट का, बस इसी का आप लोग को चार लाइन का क्या करना है सिंपल सा अर्थ लिखना है। अब आता है पूरक पठन आप लोग का, पूरक पठन में क्या चीज़ है उसको बताता हूँ आप लोग को पूरा डिटेल में, एक पेपर अगर ये पूरा करते हो तो 100% आप लोग को बोलता हूँ ना बोर्ड एग्जाम में 100% 75 नंबर प्लस ही लाओगे, हिंदी में प्लस ओरल नंबर मिला दोगे 85 से ऊपर हो जाएगा। प्रश्न तीसरा अनिम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना अनुसार कृतियाँ करना, चार नंबर के लिए है क्या है उसको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे
क्या लिखा गया है, संजाल पूर्ण करो, सिरचन को आने वाले काम, सिरचन को क्या क्या आता था, मोथी घास और पटरे की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों की झिरमिलाती चीक। ये चीज आप लोग को यहाँ भूसी चूनी रखने के लिए मंजू मूंज के रस्सी के बड़े बड़े जाल अच्छी तरीके से बस लिख देना चारों, आप लोग को दो नंबर इजिली मिल जाएगा, बस एक बार आप लोग को पढ़ना है। उसके कार की तमन्यता लाती सफलता, मतलब अगर कोई काम कर रहे हो अगर उसे अच्छे तरीके सफल हो जाते तो उसे विषय पर आप लोगों को 25 से 30 शब्द लिखना है, 25 से 30 शब्द मतलब वर्ड हो गया। उसके नीचे आप लोग देख रहे हो यहाँ प्रश्न तीसरे का आ है, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना अनुसार कृतियाँ करना, चार नंबर के लिए है। देख रहे हो इसमें आप लोग को एक्टिविटी दिया गया है, क्या है विशेषता चरित्र, ध्रुव इस मिट्टी में खेलने वाला, प्रहलाद लगन का सच्चा, भरत शेर के जबड़े में दांत गिनने वाला, इसी में बस आप लोग को ढूंढ के लिखना है। अब उसके बाद यहाँ पे है दूसरा वाला, सेखी बघारना बुरी आदत है, जिसे किसी के बड़ाई जैसे कुछ करते हो तो वो चीज़ गलत है, तो इस पे लिखना आप लोग को। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखोगे भाषा अभ्यास जो आप लोग का अध्ययन रहता है व्याकरण, 14 नंबर के लिए आता है, 14 नंबर अभी क्लियर करके दे देता हूँ आप लोग को, बस आप लोग देखो यहाँ पे देखोगे विभाग जो आप लोग का 4 रहता है मोस्ट इंपॉर्टेंस है, इसके लिए आप लोग को बोलता हूँ हिंदी के ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंस 14 नंबर का, अगर ये पूरा देख ले तो 100% आप लोग 14 नंबर भी फिक्स हो जाते हैं, किस तरीके से वो बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे 14 नंबर दिया रहता है व्याकरण भाषा अभ्यास विभाग जो 4th रहता है हिंदी में। अब इसमें क्या रहता है वो चीज, प्रश्न 4th रहेगा आप लोग का हिंदी के विषय में सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ करना है। पहला क्या दिया गया, आधुनिक रेखांकित शब्द का शब्द भेद पहचान के लिखना। यहाँ देखो मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, नए लिखा है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक मतलब अच्छाई विशेषण बता रहे उसकी विशेषता, निम्नलिखित अव्ययों में से किसी एक अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग कर, धीरे धीरे मैं धीरे धीरे घर जाने लगा, धीरे धीरे बस यूज करना है, बस यूज करके आप लोग को लिख देना। सोचो हिंदी का भी बता दे रहा हूँ कि इतना ही करना आपको। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, नीचे देखोगे आप लोग यहाँ पे दिया गया है कृति पूर्ण करो, दो में से कोई एक, सिंपल सा क्या करना है यहाँ पे देखोगे संधि विच्छेद है, प्रश्न उत्तर, प्रश्न प्लस उत्तर, कौन सा है संधि वो चीज बताना है, स्वर संधि, इजी है। बस आप लोगों को विसर्ग संधि कैसे पहचानोगे, बस ये वाला देख के, दो पॉइंट है विसर्ग संधि दुर्बल। उसके नीचे आप लोग देखोगे यहाँ पे 4th वाला दिया गया आप लोग को सहायक क्रिया मूल रूप क्रिया, दो दिया था, दो मतलब देना और गए जाना, बस बता दो हो गया। उसके नीचे आप लोग यहाँ पे देखोगे निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम और द्वितीय प्रणार्थक लिखो, प्रथम उड़ना उड़ाना उड़वाना, सूखना सुखाना सुखवाना, इजी है। अब उसके बाद आप लोग देख रहे हो यहाँ निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखना है, मुंह फेरना उपेक्षा करना, उसके बाद दांत कटी रोटी गहरी दोस्ती। उसके बाद आप लोग नीचे देख रहे हो इसमें दोनों में से कोई एक करना है, निम्नलिखित वाक्य पढ़कर प्रयुक्त कारकों में से कोई एक कारक पहचान के लिखो, सिरचन छत पर गया, कहाँ गया अधिकरण कारक है, छत पर कहाँ छत पर गया। उसके बाद मितुल का पुस्तक ले आने के लिए कहा, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, देख रहे हो कितना ईजी है। उसके बाद आप लोग देख रहे हो यहाँ पे कारक पहचाना था छत पर, बस वही लिखना अधिकरण, अधिकरण कारक, और यहाँ के लिए संप्रदान कारक, इजी एकदम इजी, बस आप लोग करो। 8th दिया गया निम्नलिखित वाक्य मतलब शुद्ध करके, मतलब आपको यथा स्थान पर उचित विराम चिन्ह का यूज करना, किसका विराम चिन्ह का, कैसे यहाँ पे देखोगे बस एक यहाँ पे लगाना डबल इन्वर्टेड कॉमा, और ये देखो लाठियों में दी गई क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन लगाना है और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा हो जाएगा बस। और उसका क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें निम्नलिखित में से वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों को कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करना, काल टेंस चेंज करना है। पहला दिया गया कोई दो करना है, मैं आप लोगों को तीन बता रहा हूँ अच्छी तरीके, तीनों रचनात्मक कार्यों को लोक चेतना का माध्यम बनाया, इसको अपने को कहने अपूर्ण में करना, अपूर्ण वर्तमान काल, वर्तमान मतलब कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में,
जा रहा है, रचनात्मक कार्यों को लोक चेतना का माध्यम बनाया जा रहा है, प्रेजेंट में हो गया, वर्तमान अपूर्ण में रहा है, जहां यह टुकड़े टुकड़े होकर बिकती जाएगी लिखा था वर्तमान काल में, सिंपल में करना था, बिकती है। यहां पे दिया गया सामने से एक कार आई और पूर्ण भूतकाल करना है, कार आई थी बस। अब उसके नीचे आप लोग देख रहे हो दसवां, इसे क्या करना है, निम्नलिखित वाक्य में से रचना के आधार पर भेद पहचानना है। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ। मिश्र वाक्य मतलब मिला हुआ वाक्य है, बस मिश्र वाक्य आंसर में लिखना है। और उसके नीचे आप लोग को देख रहे हो यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक का अर्थ आधार पर दी गई सूचना का परिवर्तन करो। देखो, कमरे से हारमोनियम उठा ला विस्मयादि बोधक करना है तो सिंपल सा अरे आगे लगाओ, अरे कमरे से हारमोनियम उठा लाया, बस हो जाएगा। और यहाँ नागर जी के पिताजी सरकारी कर्मचारी थे, निषेध वाचक करना है, बस आप लोग को क्या कर देना है इसको, नहीं निगेटिव, नागर जी के पिता जी सरकारी कर्मचारी नहीं थे, हो गया क्लियर। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखो दिया गया अच्छी तरीके से बताया गया, इसको शुद्ध करके लिखना, उदाहरण गलत था उदाहरण लिख दिया, संबंध गलत संबंध, सद्गुण लिखना था चला उसको अच्छी तरीके से। अब यहाँ आता 26 नंबर के लिए, आप लोग को ग्रामर रहता है, इसमें लेटर रहता है, लेटर का पूरा वीडियो बना हुआ है अच्छे तरीके से, आप लोग देख सकते हो। पाँचवा विभाग रहता है 26 नंबर के लिए रहता है, इसमें से आप लोग को ये करना है अपना कहाँ तक है, ए से पहले अपना है याद रखना, ए अपना है और उसके बाद जो को के पहले वाला, ध्यान से सुना, को के पहले वाला ध्यान से सुना, ए पूरा उस सामने वाले का रहता है याद रखना, इस सामने वाले का ये बधाई के लिए है। सेम उसी तरीके से इसमें निरंजन के देख रहे हो, यहाँ से निरंजन और नीरजा शर्मा ने अपने अपने क्षेत्र में रिक्त पड़ी हुई जगह वृक्षारोपण का सुझाव देते हुए वन विभाग को क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है। सिंपल सा लिख दोगे बस हो जाएगा आप लोग को। से पहले वाला किसका रहता है, अपना, और को के पहले वाला क्या रहता है, सामने वाले का, बस उतना कर दो आप लोग को हो जाएगा। किस तरीके से लिखना लेटर, पूरा वीडियो बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग अच्छे तरीके से कर लेना। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे दिया रहता है गद्य आकलन, चार प्रश्न तैयार करना है, सिंपल से चार प्रश्न इसके अंदर से रेडी कर लेना, सिर्फ वन सेंटेंस का क्वेश्चन रेडी करना, कब क्यों कैसे लगा के। उसके नीचे आप लोग प्रश्न पांचवा, आम वृत्तांत लेखन, कहानी लेखन मत करना, वृत्तांत लेखन करना, अपने स्कूल में किस तरीके से वृत्तांत का स्थल कहाँ पर हुआ था, काल कब था, घटना का उल्लेख अनिवार्य है। सिंपल सा लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय अमरावती संपन्न, मतलब इसमें पारितोषित वितरण का समारोह किया गया था, उसको 60 से 70 शब्दों में लिखना है। अब उसके बाद कहानी लेखन मत करना, उसके विज्ञापन आप लोग को सिंपल सा कर देना है, इसमें दिया गया है समय और चिकित्सक वैद्य बीमारी स्थान कहाँ पे क्या है, उसको एडवर्टाइजिंग जिस तरीके से होता है उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग लास्ट आता है प्रश्न पांचवें का, ई निबंध लिखना रहेगा, डेढ़ पेज दो पेज कर दोगे हो जाएगा।